हेलो गाइस, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। तो मार्वल स्टूडियोज़ की तरफ से एंड मैन एंड द वैस्प क्वांटमेनिया का न्यू ट्रेलर आ चुका है यूट्यूब पर। तो आज मैं उसका रिएक्शन देने वाला हूँ, साथ ही साथ उसका छोटा सा रिव्यू भी दूंगा। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय फर्स्ट रिएक्शन वीडियो इन माय यूट्यूब चैनल, तो इधर उधर काफ़ी गलतियाँ भी हो सकती है, तो प्लीज़ आप एडजस्ट कीजिएगा। मैं यही कोशिश करूँगा कि बेस्ट से बेस्ट रिएक्शन दूँ और इसका रिव्यू दूँ। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हालांकि ट्रेलर एक दिन पहले ही रिलीज़ हो चुका है, तो वीडियो बनाने का समय काफ़ी लेट हुआ। तो गाइस, लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। तुम बड़ा ही दिलचस्प इंसान हो, स्कॉटलैंड। डबिंग काफ़ी अच्छी की गई फ्रेंड्स। तुम एक एवेंजर हो। थैनोस का सीन बोल रहा है जब उसने स्नैप किया था सारे क्वांटम रियल में सारे चले गए लोग। एक ऐसा शख्स जो तुम्हें वो दे सकता है जो तुम्हें चाहिए, और वो क्या है? इसी का तो इंतजार था। ये पक्का कुछ गड़बड़ी करेगी। वो हमारा वजूद लिख सकता है, समय रेखा पर बात कर सकता है। ग्राफिक्स फ्रेंड्स काफी अच्छी की गई है। ये आदमी चाहे जो फिक्स और ग्राफिक्स, मैं बहुत कुछ खो चुका हूँ और मुझे वो सब वापस पाने का मौका मिल सकता है। इस पर पक्का कोई ना कोई जाने। सचमुच फरवरी 17। चलो तुम्हें आसान तरीके से समझाता हूँ, जो कहता हूँ वो मुझे लाकर दो, मैं वो सब मिटा दूंगा। यानी एक हसीले और एक हसीले, क्या बात है। सब मेरी गलती है। सही है फ्रेंड्स, वीएफएक्स काफी अच्छा दिया गया है इस ट्रेलर में। देखिए, तुम अपना वादा तोड़ रहे हो। सही है, काम का मकसद ही है कि वो झूठ में मारे। कुछ अलग दिखा रहा है। तुम्हें लगा मुझसे जीत जाओगे? मैं भले ही हार जाऊं, पर तुझे जीतने नहीं दूंगा। I'm sorry, कैसी? Wow, friends, कमाल का है। ट्रेलर काफ़ी ज़बरदस्त है। तो गाइस, ये था एंड मैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया का सेकेंड ट्रेलर, तो इसका हम लोग रिएक्शन दे रहे थे। और फ्रेंड्स, बात करूँ इसके रिव्यू की, तो ट्रेलर में कुछ ऐसा है फ्रेंड्स कि यहाँ पर कांग जो सेकेंड विलन होने वाला है अपना, थैनोस से पहले का, यानी थैनोस के बाद, थैनोस तो अपना जा चुका है, तो ये एक सेकेंड विलन है कांग। तो फ्रेंड्स, ये थैनोस से भी स्ट्रांग हो सकता है, मूवी में हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो मूवी है, ये लोकी के बाद की है या लोकी से पहले की है ये मैं नहीं जानता, क्योंकि लोकी सीज़न 2 भी आने वाला है, तो शायद ये लोकी के सीज़न 1 के बाद का ही ये सीन होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐसा है कि जो हमारे हीरोज़ हैं वो क्वांटम रियल में जा चुके हैं, मतलब जो हमारे स्कॉटलैंड है, कैसी है और वैस्प, हमारे जो लोग हैं वो एंड मैन मतलब क्वांटम रियल के अंदर चले गए हैं। तो वहाँ पर इनकी मुलाकात होती है कांग की, और वहाँ पर ये खुद का डायमेंशन है इसका, तो ये कह रहा है कि ये उसकी मदद कर सकता है, लेकिन बदले में उसे जो चाहिए उसे वो ला कर दो। तो वो चीज़ क्या है वो मूवी में ही हमें देखने को पता चल सकती है। मूवी के VFX और मूवी के ग्राफिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं फ्रेंड्स। वैसे तो मार्वल स्टूडियोज़ की मूवी है तो परफेक्ट ही होंगे। बाकी स्टोरी लाइन की बात करूँ तो शायद इसमें हमें मल्टीवर्स का एक और भाग देखने को मिल सकता है, और जो आप सोच रहे हैं, यस, वो भी वो आयरन मैन इसमें हमें शायद देखने को मिल सकते हैं, शायद 50%। तो बहुत कुछ हो सकता है। वैसे मल्टीवर्स का दरवाज़ा तो खुल चुका है, स्पाइडरमैन नो वे होम में आपने देखा ही था, साथ ही साथ
डॉक्टर स्ट्रेंज में भी, लेकिन जो एक्सेप्ट हमने किया था वो हमें नहीं मिला था। तो शायद ये मूवी हमें निराशा नहीं करेगी। मूवी रिलीज़ होगी 17 फरवरी को, तो आप उसको अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा रिएक्शन और इसका छोटा सा रिव्यू। मैं यही कोशिश करूँगा कि इसका एक स्पेशल रिव्यू भी बनाऊँ। तो तब तक फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक गुड बाय।